मंडी में युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इस शिविर का आयोजन 22 से 26 दिसंबर तक किया गया था। शिविर में जिले भर से आए युवाओं को सरकार की नई स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। शिविर के पहले और दूसरे दिन युवाओं को बताया गया कि वे किस तरह हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। युवाओं को मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन से जुड़ी कई अहम जानकारियां उपलब्ध करवाई गई थी। शिविर में युवाओं को इस क्षेत्र में मिलने वाली सरकारी मदद और स्कीमों की जानकारी भी दी गई थी। शिविर के तीसरे दिन SC ST OBC और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट द्वारा युवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अंतर्जातीय विवाह, अक्षम विवाह और अन्य कई मुद्दों पर जागरूक किया गया। शिविर में आए अधिकारियों ने उम्मीद जाहिर की है कि युवा इन सब स्कीमों का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे। युवा सेवा एवं खेल कार्यालय द्वारा अभी 22 से 26 तारीख तक युवाओं के लिए युवा नेतृत्व शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभाग का ये प्रयास रहता कि जो सरकारी स्कीमें जो पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, वो उनके बारे में जानकारी तथा स्वरोजगार से संबंधित जो भी कार्यक्रम सरकार द्वारा चले हैं उसके बारे में जो युवाओं को जानकारी दी जाती है। इन दिनों में हमने जो हमारे मंडी जिला के विभिन्न स्थानों से युवा आए हैं उनको इस तरह की जानकारी इसमें प्रदान की गई और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ब्लॉक से है और इस तरह से अन्य विभागों से पुलिस डिपार्टमेंट है, इनकी जो जो भी स्कीम्स जो थी उनके बारे में युवाओं को जानकारी दी गई तथा प्रेरित भी किया गया उनको कि वो अपने आप खेतीबाड़ी भी करें और अपना स्वरोजगार जो है उसको स्वयं जो है वो अपने घर में ही जो है वो अपना जो है वो रोजी रोटी का जो है साधन वहाँ पे। ये थी युवा सेवा एवं खेल विभाग से जुड़ी खबर, जिनका 5 दिवसीय शिविर समाप्त हो गया। शिविर में जिला भर से युवाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें स्वरोजगार के अवसरों और सरकारी स्कीमों की जानकारियां भी मुहैया करवाई गई। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।